वाची क्या है हमारे बोलने का ढंग। जब हमें क्रिया से पता लगता है कि हमारा लक्ष्य बिंदु या हम किससे के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, क्रिया है या कर्म है, तो हमारा वाच्य होता है। जैसे अगर हम क्रिया से संबंधित बात कर रहे हैं तो हमारा कर्मवाच्य होता है, अगर हम कर्ता से संबंधित बात कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर कर्तृवाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बोलना, हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा वाच्य कहलाता है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह बोलो कि क्रिया का विधान या क्रिया की जो रीति है वो कर्ता है, कर्म है या हमारा भाव है, किसके लिए हम बोल रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, वह हमारा वाच्य होता है। वाच्य मीन्स वाच, वाच धातु से बना है, वाच्य होता है बोलना। अब वाच्य के भेद की बात करें, पहला है हमारा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है, कर्ता होता है। वाक्य में तीन चीज़ें होती हैं, कर्ता, कर्ता कर्म और क्रिया, तीन चीज़ें होती हैं। जब हमारा लक्ष्य कर्ता की तरह होता है तो हमारा वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे उषा पत्र लिख रही है, यहाँ क्या है, उषा लिख रही है, इसके बारे में बात हो रही है, उषा के बारे में। यह हमारा कौन सा वाच्य बनता है, कर्तृवाच्य। जब वह कर्ता मुख्य होता है तो हमारा वाच्य होता है कर्तृवाच्य। जैसे वह घर जाता है, अगर हम कहते हैं उसके द्वारा घर जाया जाता है, यहाँ हम क्रिया में रखते हैं। जब हमारा वाक्य उषा पत्र लिख रही है, अगर हम इसी वाक्य को लिखते हैं उषा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ हमारी क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, पत्र के अकॉर्डिंग आ रही है, और यहाँ हमारी क्रिया उषा के अकॉर्डिंग थी। देख रहे हैं, उषा के अकॉर्डिंग कर्ता हमारा कौन है, उषा। क्रिया हमारी उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कर्तृवाच्य बन जाता है। जब हमारी क्रिया कर्म के अनुसार है तो वहाँ कर्मवाच्य। वाच्य के भेद में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीन है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में हमारा क्या होगा, कर्ता मुख्य होगा। दूसरा हमारा कर्मवाच्य, जब हमारा कर्म पत्र लिखा जा रहा है, लिखा जाता है, तो यहाँ किसके आधार पर बात होगी, पत्र के आधार पर, वहाँ हमारा कर्मवाच्य होता है। अगर हम एक वाक्य देते हैं उषा से पत्र सकती हैं, यहाँ जाता है हमारा भाववाच्य। जैसे पिताजी से दफ्तर नहीं जाया जाता, क्या भाव प्रकट हो रहा है, असमर्थता प्रकट हो रही है कि वो किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा भाववाच्य बनेगा। तीन वाच्य आपके हो गए, कर्तृवाच्य जहाँ हमारा बात हमारी क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होती है, कर्मवाच्य में हमारी क्रिया कर्म के अनुसार होती है, जैसे उदाहरण में बताया उषा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, क्रिया किसको इंगित कर रही है, किसकी तरफ इशारा कर रही है, पत्र की तरफ, पत्र क्या है हमारा कर्म। और जब यही क्रिया किसी भाव को प्रकट करती है कि वो काम किया जा रहा है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वहाँ हमारा भाववाच्य होता है। अब बात आती है वाच्य परिवर्तन की, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। आप मेरे पास उदाहरण है, उषा पत्र लिख रही है,
इसी को हमने जब कब वाच्य बनाया तो कैसे लिख दिया, उषा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। चेंज हो गई लैंग्वेज, क्रिया भी बदल गई, क्रिया का रूप भी बदल गया और हमारा के द्वारा या से दो चीजें प्रयोग करते हैं हम कर्म वाच्य बनाने के लिए, से या के द्वारा। देखिए हमारा ज्यादातर से जो है वो भाववाच्य में प्रयोग होता है, जैसे उषा से पत्र लिखा जाता है, यहाँ हमारा भाव प्रकट हो रहा है। जैसे रमेश नहीं पढ़ता, इसको भाववाच्य बनाना होगा तो कैसे बनाते, रमेश से पढ़ा नहीं जाता, वह अपने घर नहीं जाएगा, उससे अपने घर नहीं जाया जाएगा। यहाँ उसका भाव प्रकट हो रहा है कि उससे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे वाच्य के तीन भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और उसका परिवर्तन करना, उसको चेंज करना भी आपको बता दें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले। ठीक है बेटा, इट्स ओके।